Hi all and welcome back to our channel Couplify. I am Muskan and I am Akshay. और अक्षय कहाँ पर है? अक्षय इस वीडियो के उस तरफ है. He's saying hello to everyone. और ऐसा इसलिए है because as I promised in my last videos that ये वीडियो होने वाली है about my outfits जो बेसिकली मैं बीच डेस्टिनेशन पर वेयर करती हूँ. सो मालदीव्स के आउटफिट्स मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखे हैं एक वीडियो में अक्षय और मेरे, और ये गोवा के आउटफिट्स हैं एंड ऑल्सो मालदीव्स के, क्योंकि मालदीव्स के तब मैंने एक फोटो में दिखाए थे एंड अब मैं उनको यहाँ पर आई विल शो इट टू यू, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेरे को लोग पूछते हैं इंस्टाग्राम पर कहाँ से लिए हैं और उनका प्राइस ये सब. सो ईच एंड एवरी डिटेल विल बी प्रेजेंट इन दिस वीडियो. सो या विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट. तो बेसिकली ये मेरे बीच आउटफिट्स हैं और हाँ जी बस इतने से ही हैं. इसमें है काफ़ी सारे बट ये छोटे से क्लियर बैग में आ जाते हैं. आई प्रेफर पैकिंग माई आउटफिट्स इन डिफरेंट क्लियर बैग्स, क्योंकि एक तो इसमें दिखाई देता है कि कौन कौन से कपड़े हैं और ज़्यादा मैसी भी नहीं होता इसमें, जैसे भी रख दो. सो या दीज आर माई बीच आउटफिट्स एंड लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले हम गोवा के आउटफिट से ही स्टार्ट करते हैं क्योंकि मोस्टली लोग उसी का वेट कर रहे हैं. सो मैं एक बार बस अब इसका यूज़ कर लेते हैं, थोड़ा पीछे सेटअप है पूरा. तो जो पहली ड्रेस है जिसके बारे में बताने वाली हूँ उसकी पिक्चर मैंने यहाँ डिस्प्ले कर दी है. आप और भी फोटोग्राफ्स और हमारी लाइफ के बारे में देख सकते हो ऑन आर इंस्टाग्राम अकाउंट Couplify. सो मेक श्योर टू फॉलो डैट फॉर रेगुलर अपडेट्स एंड सम फनी थिंग्स डैट माई हस्बैंड डज. सो यस, तो अब इस ड्रेस के बारे में बात करते हैं. तो ये ड्रेस मैंने मिंत्रा से ऑर्डर करी थी एंड इट्स फ्रॉम ब्रांड स्कॉर्पियस और ये साइज है M जो मैंने वेयर किया हुआ है. सो M साइज परफेक्ट फिट आया मेरे को इसका. और ये एक शर्ट है बेसिकली, आप इसको देख सकते हैं. ये शर्ट है विद लॉन्ग स्लीव्स और इसका मटेरियल है विस्कस रेयन और काफ़ी कंफर्टेबल है. आप इसको जीन्स के साथ भी पेयर अप कर सकते हो ब्लू डेनिम्स के साथ, या फिर आप इसको शॉर्ट्स के साथ वेयर कर सकते हो जैसे कि मैंने किया. और ये बीच डेस्टिनेशंस के अलावा भी आप वेयर कर सकते हो क्योंकि फ्रंट स्लिट है, तो या तो आप शॉर्ट्स पहन सकते हो बट अगर आप यू नो कंफर्टेबल नहीं हो तो आप इसको डेनिम्स के साथ भी पहन सकते हो. सो इट्स अ परफेक्ट ड्रेस और इसका कॉस्ट था 900 रुपीज एंड आई थिंक इट्स वर्थ इट क्योंकि आप इसको बार बार पहन सकते हो अपार्ट फ्रॉम योर हॉलीडेज, क्योंकि हॉलीडे के बाद ऐसी कोई ड्रेस नहीं होती जो आप यू नो नॉर्मली पहन सको, बट दिस यू कैन डेफिनेटली वेयर. तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ड्रेस की तरफ जो कि है ये दिस एब्सोल्यूटली हॉट पिंक मैक्सी ड्रेस. तो ये मैंने ऑर्डर करी थी बेरी लश से और ये रही वो ड्रेस. बेरी लश की ड्रेसेस आर माई फेवरेट, मतलब आप अगर हॉलीडेज पे जा रहे हो तो दे आर लाइक रीजनेबल एंड ऑफ गुड क्वालिटी एज वेल. तो इसकी वी नेकलाइन है और थोड़ा डीप है तो यू कैन पुट अ सेफ्टी पिन. मैंने जैसे इस यहाँ पर सेफ्टी पिन लगाई हुई है, सो यू कैन पुट अ सेफ्टी पिन इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल. एक तो यहाँ पर ये है, इसको आप अपने स्ट्रैप्स को टाइट कर सकते हैं. तो मैंने ये M साइज मंगवाया था, थोड़ा लूज था, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हो. एंड पीछे जिप है, साइज परफेक्ट रहेगा जो M साइज पहनते हैं एंड दिस इज वेरी ब्यूटिफुल विद अ स्लिट. एंड दिस ड्रेस इज फ्रॉम बेरी लश एज आई टोल्ड यू. 100% पॉलिएस्टर है एंड इट कॉस्ट ₹999 डैट इज 1000 रुपीज एंड आई थिंक इट्स वर्थ इट क्योंकि बहुत ही अच्छी फोटोग्राफ्स आती हैं इसमें मुझे लगता है, और मेरे साथ साथ 185 लोगों को और लगता है कि मेरी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है. और आप साथ में लॉन्ग एयरिंग्स पहन सकते हो जैसे मैंने पहने हैं एंड दीज एयरिंग्स आर फ्रॉम एवर स्टाइलिश आई गेस. तो इसके लिए मैंने एक रील बना के डाली हुई है तो वो आप इंस्टाग्राम पर चेक कर सकते हो. सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, उसकी पिक्चर है यहाँ पर और ये वाली ड्रेस है और ये ड्रेस है हेयर एंड नाउ से. बाई चांस आपको मेरी सिस्टर इन लॉ की ड्रेस पसंद आ रही है तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं, मैं पूछकर बता दूंगी कि वो शॉर्ट्स और वो टॉप कहाँ से हैं. बट करेंटली आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कैंडी स्टाइप्ड ड्रेस. तो ये ड्रेस है हेयर एंड नाउ से एंड इट्स ऑफ ₹750 और ये फर्स्ट टाइम है मैंने हेयर एंड नाउ से, मतलब मिंत्रा से ही मैंने सारी ड्रेसेस मंगवाई हैं बट मैंने हेयर एंड नाउ ब्रांड से कोई ड्रेस मंगवाई है. और ये ड्रेस मंगवाने का मेरा मेन मोटिव ये था क्योंकि ये कॉटन है, इट इज 100% कॉटन. तो आप देख सकते हैं, सो या दिस इज द ड्रेस. तो ये
100% कॉटन है और मेरे को यही था कि अगर यू नो गीले हो जाते हैं तो जल्दी से सूख जाए, तो या दिस वॉज द रीजन आई ऑर्डर्ड. और दूसरा कि मल्टी कलर्ड है, मुझे लगता है कि अगर आप वेकेशन पे जाते हो ट्राई वेयरिंग ब्राइट कलर्स, मिक्स एंड मैच करें, मल्टी कलर पहने, क्योंकि फोटोग्राफ्स बहुत अच्छी आती हैं एज यू कैन सी. साथ में इसके यहाँ पर एक ये डोरी भी है जिससे आप उसको टाइट कर सकते हैं अगर आपको लूज है, और मैंने इसमें भी एम ही साइज मंगवाया था. या तो साइज सारे परफेक्ट हैं बेरी लश के और हेयर एंड नाउ के, तो ये एम साइज में है. और आप साथ में हुप एयरिंग्स पहन सकते हैं जो राउंड एयरिंग्स होते हैं. तो मैंने मल्टी कलर एयरिंग्स पहने थे और वो मैंने ऑर्डर करे थे अर्बनिक से, और मैंने वो मॉल्टीज में भी पहने हुए, तो आप वो वेयर कर सकते हैं. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ड्रेस. तो ये ड्रेस यहाँ पर ये रही, दिस इज अ शॉर्ट ब्लू ड्रेस जो बड़ी हिप्पी स्टाइल की है. और ऐसा इसलिए क्योंकि ये ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, ये मैंने गोवा से ही ली थी जहाँ हमारा रिजॉर्ट था, स्टोनवुड विलेज रिजॉर्ट मॉर्जिम बीच पर, उसी के साथ में शॉप्स थी. तो ये रही वो ड्रेस. तो या दिस वॉज द ड्रेस. और इसका नेक थोड़ा सा डीप था, तो आप या तो स्पेगेटी पहन सकते हो या पिन लगा सकते हो, जैसे मैंने इसमें ब्लैक कलर की स्पेगेटी पहनी है. सो या तो, और ये मैंने ली थी वहां पर अराउंड आई गेस 600 की या 500 रुपीस की, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली. तो या मतलब जितने भी मैंने ऑनलाइन मंगवाए वहां पर कंपैरेटिवली कम रेट्स पे थे. तो अगर आप ऐसे ट्रिप पे जा रहे हो गोवा में तो आप वहां से भी शॉप कर सकते हो, बस ये है कि ज्यादा इसकी यूज नहीं है. गोवा में बहुत बहुत सारे ऑप्शन थे, मतलब वहां से भी मन कर रहा था मेरा कुछ कुछ लेने का, बट आई कंट्रोल माई सेल्फ. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. तो ये ड्रेस आप यहाँ नहीं देख सकोगे क्योंकि मैंने वो रिटर्न करा दिया है, तो यू विल बी सीइंग इट समवेयर हियर. तो ये ड्रेस है फ्रॉम ससफरास, आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट. तो ये ऑलिव ग्रीन मैक्सी ड्रेस है ऑफ रुपीज 1270. ये मैंने मंगवाई थी बट आई गॉट इट रिटर्न क्योंकि मुझे इसका फिट पसंद नहीं आया और मेरे साइज एम साइज था, बट आ भी गया बट बॉडी शेप अच्छा नहीं आ रहा था, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई और मैंने उसे तुरंत ही रिटर्न करा दिया. थोड़ा लूज लूज सा था. ऑल्सो ये जॉइंट है दोनों, ऊपर का टॉप और नीचे की स्कर्ट जॉइंट है. और ये आई डेंट लाइक द फैब्रिक एज वेल, थोड़ा पॉलिएस्टर था और थोड़ा ऐसा लग रहा था कि इफ़ यू स्वेट तो वो एब्जॉर्ब कर जाएगा इंस्टेड ऑफ यू नो ड्राइंग. तो आई गॉट इट रिटर्न ऑन द स्पॉट. सो वन मोर ऑप्शन, अगर आप ये तो ड्रेस थी जो हमने देखी, ये कैंडी स्टाइल ड्रेस, बट अगर आप जंप सूट वेयर करना चाहते हैं तो सेम पैटर्न में वी हैव अ जंप सूट ऑल्सो जो है ड्रेस बेरी से. यस, तो ड्रेस बेरी से है और उसका प्राइस है 950 रुपीज. ये 750 की थी. और अगर आप जंप सूट लेते हैं फ्रॉम अनदर ब्रांड सेम, आप उसकी पिक्चर यहाँ देख सकते होंगे, वो है 950 रुपीज की. ऑल्दो ये कॉटन है बट जो जंप सूट है वो पॉलिएस्टर है. बट इफ यू प्रेफर जंप सूट तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस पैटर्न इन अ जंप सूट. सो गोवा के आउटफिट्स इतने ही थे, तो जो सिर्फ गोवा के आउटफिट्स देखने आए और मॉलडीव्स के देख चुके हैं दे कैन यू नो स्टॉप दिस वीडियो. बट अगर आपको कंप्लीट लिस्ट चाहिए अबाउट गोवा एंड मॉलडीव्स आउटफिट, तो मैं मॉलडीव्स आउटफिट का क्विक ब्रीफ देने वाली हूँ. सो दिस आउटफिट जिसकी पिक्चर आप यहाँ देख सकेंगे इज फ्रॉम सेरा. सो दिस इज अ स्कर्ट और ये इसका टॉप है, न्यूट्रल स्ट्रैप के साथ है कि नहीं, तो ये डोरी वाला टॉप है, यू कैन ऑब्वियसली टाइट. तो यप, ये एज अ स्विमिंग कॉस्ट्यूम भी वर्क कर सकता है अगर आप वन पीस या फिर टू पीस में कंफर्टेबल नहीं है. दिस कैन डेफिनेटली वर्क एज अ स्विमिंग कॉस्ट्यूम. आई माई सेल्फ वोर इट इन द सी, तो मॉलडीव्स में, तो आप ये पहन सकते हो. और ये सेरा से है एंड इसका कॉस्ट है, और ये पॉलिएस्टर मटीरियल है और इसका कॉस्ट है 750 रुपीज. और नाउ जंपिंग ऑन टू द नेक्स्ट, दिस इसके लिए भी मेरे को काफ़ी क्वेरीज आई हैं एंड अनफॉर्चुनेटली ये अब अवेलेबल नहीं है. तो ये मैंने ऑर्डर किया था अर्बनिक से और दिस इज दिस ब्यूटिफुल ब्लैक मैक्सी. बट फ्रैंकली स्पीकिंग मेरे से लोग पूछते हैं इसके लिंक के बारे में और वो नहीं अवेलेबल. बट अच्छा है नहीं अवेलेबल क्योंकि ये बहुत ही फ्री साइज है. ऑल्दो मैंने एम साइज ऑर्डर किया था, एक तो अर्बन उस टाइम पे अर्बनिक मिंत्रा पे नहीं था और अर्बनिक के ऑर्डर्स काफ़ी लेट आते थे, तो मैं इसको चेंज भी नहीं करा पाई. तो ये मेरे साइज का भी नहीं था, काफ़ी लूज था, तो मुझे काफ़ी एडजस्ट करना पड़ा टू वेयर इट प्रॉपरली. तो थोड़ा अनकम्फर्टेबल था.
तो इफ यू स्टिल वॉन्ट आप इसके से सिमिलर आइटम्स देख सकते हैं, बट अभी ये पीस अवेलेबल नहीं है. जंपिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, सो दिस ब्यूटिफुल आउटफिट, मेरे बाद भी काफी लोगों ने इसको परचेज किया एंड आई एम सुपर हैप्पी. तो ये आउटफिट है, सॉरी फ्रॉम ब्रांड ला जोयर, और मैंने मिंत्रा से ऑर्डर करा है इन साइज एम. पॉलिएस्टर मटेरियल है, नियॉन कलर है, नीचे स्कर्ट और जॉइंट टॉप के साथ. तो इसमें पिक्चर्स भी बहुत अच्छी आती हैं क्योंकि नियॉन कलर है और बहुत ही ब्राइट लगता है. दिस वॉज ऑफ 800 rupees, यस. तो और आप इसको वैसे भी वेयर कर सकते हो क्योंकि इसका नेक एंड इसकी लेंथ ड्रेस की अच्छी है, तो आप इसको अदरवाइज भी वेयर कर सकते हो इफ यू आर कंफर्टेबल. नाउ फटाफट से गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट, मैं सारे लिंक्स ना डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी सो दैट इट बिकम्स इजियर फॉर यू गाइज टू बाय दोज प्रोडक्ट्स. दिस इज द स्कर्ट एंड दिस इज द टॉप, इज अगेन फ्रॉम बेरी लश, और काफी अच्छा है, मतलब डिफरेंट है. मैं सारे डिफरेंट स्टाइल्स ही लेकर गई थी, सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस वन. और इसका प्राइस है ₹1000, यस. सो या दिस इज अ नाइस ऑप्शन. नाउ गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दिस इज अगेन फ्रॉम बेरी लश. अच्छा, तो इसका मैं थोड़ा कैच सा बता दूँ. सो दिस इज द फ्रंट एंड दिस इज द बैक साइड. तो इसके आगे ये है, तो आप इसको टाई कर सकते हो. थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा इसको कैसे पहनना है, सो मेक श्योर टू ऑर्डर इट. अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो ऐसी ड्रेसेस में, देन डोंट ऑर्डर इट, क्योंकि मैंने आपको दिखा दिया है कि इसका स्टाइल क्या है. ठीक है, तो आप इसको उस अकॉर्डिंग पहन सकते हैं, आप पिक्चर्स में देख सकते हैं. और जंपिंग टू अनदर वन, दिस इज अगेन फ्रॉम बेरी लश, दिस फ्लोरल प्रिंट ड्रेस. और आप इंस्टाग्राम पे अगेन पिक्चर्स देख सकते हो. नाइस ऑफ शोल्डर टॉप है, पॉलिएस्टर मटेरियल है इन सबका. तो या This is again from Berry Lush. और इस skirt की ना slit है. Now coming to the next one. Yes, this dress is again from Urbanic. काफ़ी अच्छी dress है और आप इसको normally भी wear कर सकते हो without any slit. So this dress. तो मैंने इसको एक dinner पर पहना था रात में, तो ज़्यादा pictures नहीं होंगी maybe. But this is quite nice and this I ordered from Urbanic and unfortunately इसको मैंने 2.5-3 साल पहले ऑर्डर करा था और ये भी अभी अर्बनिक पे अवेलेबल नहीं है. नाउ दिस माय फेवरेट वन, इसमें मेरी बहुत अच्छी पिक्चर्स आई हैं. दिस येलो ड्रेस इज अगेन फ्रॉम बेरी लश, ऑफ शोल्डर, वन साइड ऑफ शोल्डर ड्रेस और विद अ फ्रंट स्लिट. और ये भी बेरी लश से है, पॉलिएस्टर मटेरियल, बट अ वेरी नाइस मैक्सी ड्रेस. फोटोज बहुत अच्छी आती है और मेरे को देख के काफ़ी लोगों ने मंगवाया, आई फील वेरी हैप्पी. तो आप ये ले सकते हैं. एंड नाउ अगेन फ्रॉम अर्बनिक, तो ये है क्या, ये एक्चुअली रोब है. तो अगर आप स्विमिंग के लिए जाते हैं तो आप सेरोंग पहन सकते हैं, जैसे कि मैंने एक दो वीडियोस और फोटोज़ में पहना हुआ है. तो आप सेरोंग पहन सकते हैं, जो या तो आप परचेज कर सकते हो या फिर कोई भी नॉर्मल दुपट्टा है आप उससे भी बना सकते हो, अदरवाइज आप ये ले सकते हो. ये एक्चुअली जब मैं ग्रीस गई थी मैंने तब लिया था फ्रॉम अर्बनिक. अनफॉर्चुनेटली ये भी अवेलेबल नहीं है, बट आप सिमिलर ऑप्शंस डेफिनेटली देख सकते हो. मैं आपके लिए देख लूँगी इन केस यू वांट. तो या तो ये रोब की तरह है एंड इट लुक्स वेरी नाइस. दिस इज द रोब दैट आई एम वेयरिंग, सेम रोब. तो काफ़ी अच्छा है, अच्छी फोटो भी आती है और आप डाल भी सकते हो वो फोटोज स्विम सूट पर पहन के. सो या आई थिंक दो है मेरे पास, नहीं अक्षय आ गया है तो थ्रो बैक आ गई. तो होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो. और मेरा मेन मोटिव यही था कि जितना भी बीच वेयर कलेक्शन था मेरे पास वो मैंने यहाँ पर शेयर कर दिया है. तो अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, कुछ भी कमेंट्स हैं, तो आप उनको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. प्लीज़ अगर आप वीडियो देखते हैं और वीडियो पसंद आती है, देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन दैट सब्सक्राइब बटन. थैंक यू एवरीवन, स्टे सेफ एंड कीप वॉचिंग कपलिफाई.